सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं फिर से छत पर अपने उस सीक्रेट हाउस को पूरा करने के लिए। और अभी सुबह के 11:20 हो रहे हैं और सीक्रेट हाउस जो है पूरा तो हो गया है, बट इसमें थोड़ा डेकोरेशन का सामान रहता है। तो वो डेकोरेशन का सामान हम ऊपर ले जा रहे हैं, कुछ ही पेंटिंग पेंट कलर्स लेके जा रहे हैं ताकि कलर्स में हम मतलब वो सब कर सके। अच्छा, सो हेलो एंड वेलकम टू माय रूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉच ऑफिशियल में आपका स्वागत है। एंड जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमने सीक्रेट हाउस बनाया है, तो जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी वो जल्दी से उसको देख के लाइक कर दीजिए। थैंक यू। हमने ये जो जगह है यहाँ से घुसने के लिए बना दिया है, इसलिए क्योंकि अगर उधर से करता घुसने के लिए तो ये फिर तोड़फोड़ कर देता अभी, इसलिए मैंने यहाँ से घुसने का बनाया। और अभी अंदर हम डेकोरेशन का सामान रखने हैं। अभी यहाँ पे पायदान रख दिया है क्योंकि तुम्हें पता है ये जो है ना बदतमीज से छत पर घूमेंगे नंगे पैर, उसके बाद आगे घुस जाएंगे, सुनेगा तो कोई नहीं, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पायदान रख दिया है ताकि अब ये जाए तो पहुँच कर जाए, सैंडल यहाँ उतार के जाए। ठीक है बाय। नहीं, मैं थोड़ी देर बाद अंदर का भी दिखाऊंगी तैयार करने के बाद। ठीक है, वैसे मैं अभी घर के अंदर ही बैठी पड़ी हूँ, इधर ही मैंने बताया था दरवाजा है, लेकिन अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बाकी मैं अभी यहाँ पर पेंटिंग कर रही हूँ सामने वाली दीवार पर, बाद में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करा। ओ कबूतर, हेलो कबूतर जी, कैसे हो? तो गाइज, अब मैंने अपना घर पूरी तरह से तो नहीं, बट टिंग टोंग टिंग टोंग, मैं हूँ, हटी जरा। तो हम चप्पल उतारेंगे साइड में, वैसे प्लीज उस साइड उतारिए, इस साइड जाने का रास्ता है। तब मैं घर के अंदर जा रही हूँ, तन तने। तो ये एंट्रेंस, ये हमारी खिड़की है अगर पता हो तो आपको। अब मैं दिखाती हूँ वाली दीवार हमने कैसे करी है। ये यहाँ पर हमने कैलेंडर लगा रखा है, ये है फैब का कैलेंडर, और इनके पीछे लिखा हुआ है किस चीज का है। ठीक है, और यहाँ पे तीन ये देखो कैसे देख रहे हैं, देखो ये देखो। मैंने ना घर में घुसने से मना करा, ये घुस गए तो फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़े नोट्स हैं अपने मतलब कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर हमने डॉल्स रखी हैं, ये हमने यहाँ कैरम बोर्ड की गोटी रखी है, कैरम बोर्ड ये रहा, और इसके साथ हमने पेंटिंग कलर रखे हैं। अभी दिखाती हूँ पेंटिंग कलर क्यों रखे हैं। ये एक ये डॉल वॉल के बनाती रहती है, थोड़ी मटकी सी है। अभी इसमें हमें कुछ मिला नहीं तो हमने यही रख दिया, टैडी रख रखा है किधर, और सबसे बड़ी ये तकिया रख रखा है हमने इधर। ठीक है, ये रहा, और ये टन टन, ये हमने BTS का सिंबल बना रखा है, टन ट। और यहाँ पर हम ये लिख रखा है पढ़िए, यहाँ हमने लिखा है आई पर्पल यू। अगर आप BTS आर्मी है तो ज़रूर आपको ये पता होगा कि आई पर्पल यू का मतलब क्या होता है, और BTS को भी जानते होंगे तो इसका मतलब भी आप ज़रूर जानते होंगे। और अभी इसको थोड़ा और डेकोरेट करना भी रहता है। सो हेलो गाइज, अभी भी हम यहीं पर बैठे पड़े हैं, ये भी आ गए हैं गेम के लिए। हाय करो। हेलो, हाय, मेरे को तो भूल गए, हाय, आप कैसे हो? ये मेरे हाथ में कान्हा जी है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये मेरे साथ है। अरे अपना नाम बता। प्रतीक बता। प्रतीक ज्योति। मैं बहुत शरारती हूँ, मैं एक भिखारी हूँ। ये है मेरी मम्मी,
अच्छा ये है मेरे पापा। नाम तो बता। ट्यूशन जाते है प्रेम? यस। तो क्या नहीं रहो? किस क्लास हो तुम? केजी क्लास में हूँ मैं। मार दी बेचारे प्रतीक को। देखो मेरे को पोयम आती है ट्विंकल ट्विंकल लिली स्टार। ट्विंकल लिली स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फनी वाली स्नो। हां कौन सी? जॉनी जॉनी ओके तो मैं जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। चाटा खा के कैसा लग रहा है प्रेम? बहुत ही कूल लग रहा है। कभी ये हम कैरम खेल रहे हैं। देखो अच्छा ये पिटेगी उनके बदले। हम बहुत ही चालाक हैं। पैसे मांगते हैं। वो मेरी ही। अभी उसकी है। मेरे पास उसकी आती है। इसने मेरे से लिया फिर से लिया। तुम दोनों खेल। अब सब लोग जा चुके हैं तो अब हम दोनों ही बचे हैं। तो हम यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं जो हम खेलने के लिए ऊपर लाए थे। क्या हालत हो गई हमारी।